रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासनिक राजधानी नया रायपुर के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। रायपुर भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। रायपुर एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां भारत का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है। मुस्कुराइए के आप रायपुर में हैं। शर्मा की चाट, साहू का नाश्ता सेंटर, सुंदरम की पाव भाजी, काका के कीमा कबाब, साहू होटल का मिठाई और चौक चौराहे का मलाई मक्खन अपने लजीज स्वाद के लिए पूरे रायपुर में प्रसिद्ध है। लगभग 226 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए रायपुर शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से ऊपर थी। आबादी के हिसाब से रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला और भारत का 34वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। रायपुर जिला कुल 6 तहसीलों में बटा हुआ है। रायपुर, आरंग, गोबरा नवापारा, तिल्दा और अभनपुर है। धार्मिक दृष्टिकोण से रायपुर शहर में 95% हिंदू, 3% मुसलमान, 0.57% ईसाई, 0.42% जैन, अतः 1.75% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। रायपुर शहर की साक्षरता दर 86.90% है। इससे ये पता चलता है कि रायपुर शहर के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। रायपुर भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी, NIT, आल एम्स एवं IIIT का घर है। 1995 में स्थापित की गई रायपुर शहर की नगर घड़ी इंसानों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत नमूना है। रायपुर शहर के इस घंटाघर में छत्तीसगढ़ के 24 सांस्कृतिक लोक धुन को हर घंटे बजाया जाता है। रायपुर शहर की ये घंटाघर पूरे विश्व में एक अनोखा घंटाघर है और यह रायपुर शहर का प्रसिद्ध घड़ी चौक के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ पर कई सारे शैक्षिक संस्थान मौजूद है जो रायपुर के छात्र और छात्राओं को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें अमिती यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और प्रगति कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आदि यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि रायपुर किसी जमाने में बाकी इलाके की तरह दक्षिण कौशल के नाम से ही जाना जाता था, परंतु यहाँ के ऐतिहासिक भवन एवं किलों के अवशेष को देखकर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस शहर को पहली सदी में बसाया गया था। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रायपुर शहर को 14वीं सदी में बसाया गया था। रायपुर शहर का नाम रायपुर का राजा प्रहनदेव राय के नाम पर पड़ा। आवाहन के दृष्टिकोण से रायपुर शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, रायपुर शहर में कुल 3 रेलवे स्टेशन मौजूद है, रायपुर जंक्शन, सरस्वती नगर और WRS कॉलोनी रेलवे स्टेशन, जिसमें से रायपुर रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या 7 है। बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद रायपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर मौजूद है। सारनाथ एक्सप्रेस, बिलासपुर एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख रेलगाड़ियां रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग, रायपुर शहर में कुल 2 बस स्टैंड मौजूद हैं, अंतरराज्य बस टर्मिनल और पेंड्री बस स्टैंड। रायपुर शहर के दोनों बस अड्डे अपने सड़क मार्ग के जरिए
छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के कई अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप रायपुर शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग। रायपुर शहर के माना इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। रायपुर शहर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ आदि भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। रायपुर शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी रायपुर शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना रायपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर एक, स्वामी विवेकानंद सरोवर। रायपुर शहर में स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर लगभग 400 वर्ष पुराना झील है। इस झील को बूढ़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का 37 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो यहाँ की मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा रंगीन पुहारे, फूल उद्यान पर्यटकों को काफी ज्यादा रोमांचित करते हैं। मनोरंजन के लिए यहाँ बोटिंग का भी सुविधा उपलब्ध है। नंदन वन जंगल सफारी। सेक्टर 49 नया रायपुर में स्थित जंगल सफारी रायपुर शहर की मुख्य पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। लगभग 800 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए नंदन वन विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों का घर है। जंगल सफारी रायपुर एशिया का सबसे पहला मानव निर्मित सफारी है, जहां शेर, मगरमच्छ, टाइगर, भालू, हिरण इत्यादि अन्य जीवों को देख सकते हैं। पुरखौती मुक्तांगन। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक को प्रदर्शित करते हुए पुरखौती मुक्तांगन एक खूबसूरत सा म्यूजियम है। पुरखौती मुक्तांगन के अंदर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और कलाकृति का प्रदर्शन किया गया है। लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए पुरखौती मुक्तांगन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां रोजाना हजारों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं। ये लगभग रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर नया रायपुर में स्थित है। केवला धाम। केवला धाम एक जैन मंदिर है, जो रायपुर के प्रमुख पर्यटक केंद्र में से एक है। ये मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और इसे आदित्यनाथ जैन तीर्थ के रूप में जाना जाता है। मंदिर परिसर में कुल 26 छोटे और बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों में 24 तीर्थकारों की मूर्तियां स्थापित है। प्रत्येक मूर्तियों को सुंदर तरीकों से सजाया गया है, जो पर्यटकों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। रायपुर के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कहीं अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें एनर्जी पार्क, नया रायपुर, महंत घासीदास संग्रहालय, कंकली तालाब, महामाया मंदिर, टाउन हॉल, सदानी दरबार, गांधी उद्यान, श्री राधा रास बिहारी मंदिर, राजू लोचन मंदिर, सिटी सेंटर मॉल, बंजारी माता मंदिर, एमएम फन सिटी, हतकेश्वर महादेव मंदिर, माता कौशल्या मंदिर यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।